मापोस क्वाइट बोलना यार. You know, I have actually seen the film already. Okay. And that's why I've called a lot of my friends to see it, because I'm so impressed with this film that I think everybody should see it. And I think people who are watching this thing, I would actually want all of you to see it. It's worth seeing. मैं वेंटिलेटर फिल्म को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ. मैं एक अच्छी फिल्म को सपोर्ट कर रहा हूँ. अगर वेंटिलेटर बकवास फिल्म होती तो मैं राजेश मापुसकर के बावजूद भी यहाँ नहीं आता. तो सर भारत में ऐसी कई फिल्में बनती हैं जो कि एक जाति व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं उस फिल्म में, तो सर उसमें आपका क्या कहना है? अभी मोहम्मद रफ़ी साहब का ऐदिल मुश्किल में सर मजाक बनाया गया था, तो सुर में आप क्या? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहता चाहता हूँ कि मैं हिंदी फिल्म देखता ही नहीं हूँ. मैंने जिस फिल्म का आपने नाम लिया ना देखी है ना देखूँगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. और मैं अगर यहाँ आज आया हूँ और ये मैंने स्क्रीनिंग की है वेंटिलेटर की, तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी खूबसूरत और अच्छी फिल्म है कि इतनी अच्छी फिल्म को देखकर आप देखिएगा इसको ज़रूर, आप ये भूल जाएंगे कि किस फिल्म में किसने किसका मजाक उड़ाया है. क्योंकि जब अच्छा सिनेमा बनता है तो वो किसी और लेवल पर चला जाता है. जी देखिए, मैं समझता हूँ कि जब मैंने ये फिल्म देखी तो मराठी तो मैं भूल ही गया कि ये मराठी फिल्म है. कैरेक्टर्स मराठी बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि एक ज़बान होती है जो आँखों की ज़बान होती है, जो इमोशंस की ज़बान होती है, जिसमें मराठी हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो. आप इंग्लिश फिल्में कई देखते हैं, आप रोते हैं, क्यों आपको ऐसा हो जाता है? हमको तो इंग्लिश आती भी नहीं थी. कश्मीर में हमने डॉक्टर जिवागो देखी थी, कुछ समझ में भी नहीं आया लेकिन हम रो रहे थे. क्यों? क्योंकि एक सिनेमा की ज़बान अलग है. इस फिल्म में एक गाना है, वो मराठी में गाती हैं प्रियंका, वो इतना मैं वो, बाबा ना 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 ने बाबा. अब ये है मराठी, गा मैं कश्मीरी रहा हूँ लेकिन मेरे को उस गाने के इमोशंस फील हो रहे हैं. तो ये सिनेमा की कोई ज़बान नहीं है. सिनेमा की ज़बान, जैसे ये आप फिल्म देखेंगे तो इतने खूबसूरत इसमें किरदार हैं, कुछ कैरेक्टर्स यहाँ आए हुए हैं एक्टर्स, जब वो परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कोई मराठी में तो नहीं रोता है, या बंगाली में तो नहीं हंसता, या इंग्लिश में तो नहीं उसको लव अफेयर हो जाता. वो सब एक ज़बान है, जो सिनेमा की ज़बान है, जो इमोशंस की ज़बान है. और वो उसके लिए मैं कहता हूँ कि आप सब जाके वेंटिलेटर ज़रूर देखिए, बाकी फिल्मों के बारे में आप भूल जाएंगे. देखिए, मैं 100% मैंने राजेश मापुसकर को कहा है कि अगर ये फिल्म मैंने, मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई हो, लाया नहीं मेरे पास गधा, लेकिन अगर लाया होता तो ये स्क्रिप्ट को मैं 100% सपोर्ट करता. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ इज बेस्ट. एक्चुअली फरारी की सवारी, जिसमें हमने इतनी जान इसके साथ लगाई थी, हमारे बावजूद इस लड़के ने अकेले हमसे बेटर फिल्म बनाई है, ऐसा मैं समझता हूँ. ताली वाली मार सकते हैं उधर के लोग. बिल्कुल, जोड़ी तो इधर ही दिखा देते. भैया इधर आना जरा, मापुसकर भैया जोड़ी देखना चाहते हैं, प्लीज आ जाइए. तो अभी दिखा देते हैं उसको कुछ देर. ये देख लीजिए, ये जोड़ी अभी आ गई. आपको ज्यादा देर थोड़ी वेट कराएंगे हम. देख लीजिए, जोड़ी इधर बरकरार है, हमेशा बरकरार रहे. Yes, absolutely. He's my boss, my mentor, my guru, my father, my baba. But I'm really proud of him. नहीं तो मैं ऐसा करता नहीं. मैं अपनी फिल्मों का ट्रायल नहीं करता तो दूसरी का क्यों करूँगा. बहुत अच्छा बना है, आप देखिएगा जरूर. धन्यवाद. मराठी मंदे बोलतो, वेंटिलेटर फार चांगला फिल्म आहे. इज दैट करेक्ट? करेक्ट. यू कैन से यारे या सारे या. यारे या सारे या, ये प्रमोट करा रहे हैं.